कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने बताया बेस्ट 5 स्मार्टफोन फॉर बैटरी बैकअप के लिए, जिसमें अच्छे खासे बैटरी एमएच जैसे कि 6000 7000 बैटरी एमएच आते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम सा होता है, मतलब कि उसमें एक बार चार्ज करोगे तो एक दिन दो दिन का बैकअप तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो एक बार चार्ज करने के लिए आपको 1.5 घंटा लगभग बहुत सारे चार्जर में आपको चार्ज करना पड़ सकता है, बिकॉज भाई वो सब स्मार्टफोन में 18 वाट से ज़्यादा का आपको चार्जर मिलता नहीं है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेस्ट 5 स्मार्टफोन फॉर द चार्जिंग के लिए, जहां पे आपको 65 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, और ये सब चार्जर भाई इस फोन को आधा घंटा में फुल चार्ज कर सकते हैं, और इसमें एक स्मार्टफोन जो कि 20 to 25 मिनट्स के अंदर में फुल चार्ज कर देगा। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मैं नाम अंकित, आप देख रहे हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना टेक अनबॉक्सिंग यूजर नेम है। एंड यहाँ पे जितना भी स्मार्टफोन का बात करूंगा, यहाँ पे मैक्सिमम जो स्मार्टफोन है 5G देखने को मिलता है, लेटेस्ट स्मार्टफोन है, और सिर्फ यहाँ पे मैंने चार्जर को देखिए कंसिडर नहीं किया हुआ है। काफ़ी कुछ मैंने देखा, जैसे कि डिस्प्ले हो गया, प्रोसेसर हो गया, कैमरा हो गया, ये सारा चीज़ फिल्टर करने के बाद में ये लिस्ट मैंने बनाया हुआ है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंडर 50,000 से स्टार्ट करेंगे एंड 30,000 तक जाने वाले हैं। जो नंबर वन पे स्मार्टफोन है वो है भाई Realme Narzo 20 Pro, 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड 6GB रैम के साथ में आता है। 15,000 इसका प्राइस है। फ्लिपकार्ट में ये फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं जो लिंक है नीचे ड्रॉप कर दूंगा, एक बार आप चेकआउट जरूर कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स का, तो यहाँ पे लुक्स ये बहुत सही देखने को मिलता है, आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, पीछे में आई थिंक जो प्लास्टिक है बहुत शाइनी सा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्रोसेसर का बात करें तो MediaTek के Helio G95 देखने को मिलता है, इस प्राइस रेंज में बहुत सही है। 6GB रैम के साथ में आता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है, और स्क्रीन साइज भी आपको 6.5 इंचेस का मिल जाता है। कैमरा में आपको क्वाड कैमरा सेटअप है। बैटरी का बात करूँ तो यहाँ पे 4500 mAh का बैटरी के साथ सी टाइप पोर्ट है। इसमें खास चीज है यहाँ पे आपको 65W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है इनबॉक्स में, जो कि 38 मिनट में फुल चार्ज आपका फोन को कर देगा। तो एक बार आप चार्ज कर लो, जैसे कि आपको दिन भर में भाई 10 मिनट के लिए टाइम मिलता है, 10 मिनट के लिए चार्ज में लगा दो, 5 मिनट के लगा दो, 20 मिनट में लगा दो, तो आराम से आपका काम निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि भाई बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा होना, बैटरी एमएच ज्यादा होना चाहिए, उससे प्रॉब्लम क्या होता है, फोन बहुत ज्यादा बल्की एंड मोटा सा आपका हो जाता है। तो ये वाला स्मार्टफोन की तरफ भी अगर आप देख सकते हो, मतलब गेमिंग के लिए भी अच्छा है और बाकी सारे काम आपके निकाल के देने वाले हैं। जो सेकंड नंबर पर स्मार्टफोन है वो है Realme 8 Pro, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है, 6GB रैम देखने को मिलता है। ये फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, प्राइस फॉर 17,999 रुपीज में आपको मिल जाएगा। लुक्स का बात करूं तो लुक्स में बहुत सही देखने को मिलता है, बहुत किलर लुक है, पीछे में काफी बड़े बड़े वार्निंग्स में आपका लिखा हुआ है डेयर टू लिप। फटाफट कुछ हाईलाइट का बात कर लेता हूं, स्नैपड्रैगन 720 देखने को मिलता है, इस प्राइस रेंज में काफी सही है। 6GB का रैम के साथ में आता है, 6.4 इंचेस का डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड का, 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। कैमरा सेगमेंट का बहुत बड़ा हाईलाइट है, बिकॉज में 108 मेगापिक्सल मिलता है इस प्राइस रेंज में, जो कि बहुत परफेक्ट बनाता है। और जो बैटरी का बात करूँ तो 45,000 mAh का देखने को मिलता है, सी टाइप पोर्ट के साथ में आता है। 50W का चार्जर है, जहाँ पे 38 मिनट में इस फोन को फुल चार्ज करके आपको दे देगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट टाइम मिलता है भाई, दिन भर में एक दो बार लगा दो और आपका आराम से सारा काम निकल जाएगा। और ये फोन को एक बार देखना, क्योंकि भाई प्राइस रेंज के हिसाब से ना बहुत स्ट्रांग फोन निकल के आता है, लुक्स में बहुत सही एंड प्रीमियम सा देखने को मिलता है। जो थर्ड नंबर का स्मार्टफोन है, मैंने रिसेंटली इसका अनबॉक्सिंग भी किया था, प्लस मैंने पबजी टेस्ट किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, वो है IQ का Z3 5G स्मार्टफोन। अब यहाँ से जो भी स्मार्टफोन आएंगे वो सारे के सारे आपके 5G सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जो वेरियंट का बात करूँ, 6GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है, और जिसका प्राइसिंग है 19,990 रुपीज, और इस पर काफ़ी ज़्यादा ऑफ है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 2,000 रुपये आपको ऑफ देखने को मिलता है, इंस्टेंट डिस्काउंट है। और इसको मैंने परचेस किया था वीडियोस के लिए, तो वो था 16,512 रुपीज। लुक्स का बात करूँ तो लुक्स बहुत आपको प्रीमियम सा फील देखने को मिलता है। यहाँ पे चिपसेट का बात करूँ, स्नैपड्रैगन का 768 देखने को मिलता है, 5G प्रोसेसर है, और इसमें आप बहुत अच्छा गेमिंग कर सकते हो, अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो भी आप देख सकते हो। 6GB रैम देखने को मिलता है, जो डिस्प्ले है 6.58 इंचेस का, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। कैमरा सेगमेंट भी बहुत प्यारा है, आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, फ्रंट का 16 मेगापिक्सल है। बैटरी का बात करूँ तो यहाँ पे 4400 mAh देखने को मिलता है। ये जो फ़ोन है, इस बॉक्स के अंदर में आपको 65W का चार्जर तो मिलता है, लेकिन ये जो प्रोसेसर है सिर्फ 55W का चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन चार्जर 65W का ही आपको मिलेगा। सी टाइप पोर्ट देखने को मिलता है, 19 मिनट में आपका 50% चार्ज कर देगा। तो डेफिनेटली अगर आपको गेमिंग करना है या फिर कैमरा का भी काम है, डिस्प्ले अगर
आपको काम लगता है तो ये फोन ऑलराउंडर में आप एक बार देख सकते हो। जो यहाँ पे नंबर फोर्थ पे स्मार्टफोन है, ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन था एक समय में, मतलब बहुत ज्यादा सेल होता था, लेकिन अभी भाई IQ वगैरह आ गया उसकी वजह से ये हल्का सा पीछे रह गया, लेकिन बहुत तगड़ा स्मार्टफोन है अभी पे भी। मैं बात कर रहा हूँ Realme X7 का, इसका मैंने वीडियो भी बनाया था, उसमें बहुत सही रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे जो वेरिएंट का बात करूँ, 6GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। प्राइसिंग का बात करूँ तो Amazon पे अवेलेबल है 19,710 रुपीज पे। अगर लुक्स का बात करूँ तो लुक्स में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है, MediaTek का 800U देखने को मिलता है, जो कि 5G प्रोसेसर है, 6GB रैम के साथ में आता है, 6.4 इंचेस का डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड है, 60Hz का रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, क्वाड कैमरा सेटअप है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट का देखने को मिलता है, बैटरी यहाँ पे 4310mAh के साथ में आता है, 50W का चार्जर आपको इनबॉक्स मिलेगा और 50% जो चार्ज है वो आपका 18 मिनट में आपको करके दे देगा और C-Type पोर्ट भी मिल जाता है। इसके अलावा में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको मिल जाता है, तो ये फोन को डेफिनेटली पर चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, गेमिंग के लिए चाहिए गेमिंग के लिए भी ले सकते हो, कैमरा सेगमेंट भी बहुत अच्छा है, डिस्प्ले भी आपको सुपर एमोलेड देखने को मिलता है और चार्जर तो भाई है ही फास्ट। जो अपने नंबर फिफ्थ नंबर पे स्मार्टफोन है वो है IQ का 7 5G, ये भी 5G स्मार्टफोन देखने को मिलता है। जो वेरिएंट का बात करूंगा, 8GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है, और एक और चीज आपको इसमें 12 महीना का नो कॉस्ट ऑफ EMI मिलेगा और यहाँ पे 8GB रैम तो ही, इसके अलावा आप 3GB आप एक्सटेंड कर सकते हो इंटरनल स्टोरेज के साथ में, एंड 6 मंथ का आपको फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलता है। अगर आपका फोन गलती से ड्रॉप होके स्क्रीन अगर टूट जाता है तो भाई आपको 6 मंथ में फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिल जाएगा आराम से। लुक्स का बात करूँ तो भाई लुक्स बहुत प्यारा है, उससे ज़्यादा प्यारा है इसका कलर है, कलर बहुत सही देखने को मिलता है, ऑरेंज कलर। यहाँ पे फटाफट कुछ स्पेक्स का बात कर लेते हैं, स्नैपड्रैगन का 870 देखने को मिलता है, 8GB रैम है, डिस्प्ले का बात करूँ तो 120Hz रिफ्रेश रेट का एमोलेड स्क्रीन है, 6.62 इंचेस का। कैमरा का बात करूँ तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48MP का मेन कैमरा है। बात कर लेते हैं बैटरी का, 4400mAh बैटरी मिलता है, इनबॉक्स में आपको 66W का चार्जर मिलता है। अभी तक ने हमने जितने भी स्मार्टफोन्स का बात किया यहाँ पे 65W से किसी का भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन IQ7 में आपको 66W का मिल जाता है। ऐसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिसर्च किया तो यहाँ पे बता रहा था कि 22 मिनट के अंदर में फुल चार्ज हो जाएगा, लेकिन मैंने कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस देखे किसी और के तो भाई यहाँ पे 35 मिनट निकल के आ रहा था, तो 35 मिनट के अंदर में ये सारे स्मार्टफोन, ये जो वाले जो स्मार्टफोन है चार्ज हो जाएंगे। इसके अलावा डुअल सिम लगा सकते हो, 5G है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे था सारे के सारे 5 स्मार्टफोन जो कि आप परचेज कर सकते हो, हर एक प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मैंने बता दिया। अब ये हो सकता है कि मैंने जो आपको बताया हो कि भाई इतना मिनट के अंदर चार्ज है वो एक्यूरेट नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है भाई, फ्लक्चुएशन होता है, बहुत सारा चीज डिपेंड करता है। फोन स्विच ऑफ करके करोगे तो उतना जल्दी चार्ज होगा, तो बहुत सारा क्राइटेरिया रहते हैं जिसपे वो चीज फुलफिल होते हैं। तो अगर आपको यहाँ से कोई भी स्मार्टफोन परचेस करना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो, ये सारे स्मार्टफोन बहुत सही है। अगर आप कोई भी स्मार्टफोन को चला रहे हो तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हो कि आपका स्मार्टफोन कितना देर में चार्ज हो जाता है। अगर ये वीडियो कहीं से भी आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, टेक अनबॉक्सिंग यूजर नेम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।